गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी व्याकरण आपका लेसन है भाषा बोली लिपि और व्याकरण। तो कल हम लोगों ने पढ़ा लिपि साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने का तरीका सिखाया जाता है, विधि सिखाई जाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसमें भाषा को व्यवस्थित और नियमित बनाने के नियम होते हैं कि भाषा को किस तरह से लिखा जाए, जो भाषा के मानक रूप का ज्ञान कराते हैं। मानक रूप मीन्स होता है भाषा का शुद्ध रूप। इसके तीन अंग बताए गए हैं, व्याकरण के तीन अंग बताए गए हैं। फर्स्ट है वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार और थर्ड वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। बता रहे हैं कि वर्ण विचार में क्या क्या, किस पे विचार किया जाता है। वर्णों के आकार देखे जाते हैं, उच्चारण देखे जाते हैं, उत्पत्ति पर ध्यान दिया जाता है और शब्द विचार में इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। और लास्ट है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्य विश्लेषण और वाक्य भेद आदि पर विचार किया जाता है। तो ये था आपका व्याकरण। व्याकरण से ही हमें शुद्ध रूप से बोलना आता है, लिखना आता है और पढ़ना आता है। तो आज बस इतना ही। आगे कल आज आपका होमवर्क है व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं, नाम लिखिए।